गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कक्षा 12 नागरिक शास्त्र आज हम पढ़ाएंगे और इसमें हमारा दूसरा चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें दो या तीन पीरियड मैं ले चुका हूँ, इसमें थोड़ा सा रह गया है और आज मैं सोवियत संघ के विघटन के परिणाम किया हुए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, तो देखिए इसमें सोवियत संघ के विघटन के परिणाम यानी जो रूस है उसका जो विघटन हुआ उसके 10 कारण थे। 10 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, 10 पॉइंट थे। पहला आपका है नए देशों का उदय, नए देशों का उदय। दूसरा है शीत युद्ध से उत्पन्न संघर्ष की समाप्ति, शीत युद्ध से उत्पन्न संघर्ष की समाप्ति। यह हमारा हुआ शीत युद्ध से उत्पन्न संघर्ष की समाप्ति, दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत। चौथा है एक विचारधारा को आघात, एक विचारधारा को आघात, भारत को आघात, तेल भंडार और अमेरिका का प्रभाव, शीत युद्ध के दौर की समाप्ति। आठवां है शक्ति संबंधों में बदलाव, शक्ति संबंधों में बदलाव, शक्ति संबंधों में बदलाव। नौवां है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दसवां है तृतीय विश्व को आघात। यह हमारा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम हुआ, नए देशों का उदय, दूसरा शीत युद्ध से उत्पन्न संघर्ष की समाप्ति, दो ध्रुवीयता का अंत, एक विचारधारा को आघात, भारत को आघात,
तेल भंडार और अमेरिका का प्रभाव, शीत युद्ध के दौर की समाप्ति, शक्ति संबंधों में बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और तृतीय विश्व युद्ध को आघात। यह हमारे दो ध्रुवीयता का जब अंत हुआ तो इतना सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में हुआ। इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन के बाद राज्यों का उदय। इसके बाद हम पढ़ेंगे सोवियत संघ के सोवियत संघ के विघटन के बाद राज्यों का उदय। सोवियत संघ के विघटन के बाद राज्यों का, अब इसमें सोवियत संघ के जब विघटन हुआ तो 15 राज्य नए राज्य स्वतंत्र राज्य बने। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उसमें विघटन के बाद नए राज्यों का उदय में 15 नए राज्य बने। इसमें आप 15 का नाम लिख लीजिए सीरियल नंबर से। 15 पहला है, पहला नोट करिए। दूसरा रूसी संघ, पहला है रूसी संघ, एक यह राज्य का ही नाम है रूसी संघ। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, मालदोवा, आर्मेनिया, जॉर्जिया। इसके बाद 11 है अजरबैजान, ये नोट करते जाइए, लिखते जाइए।
उज्बेकिस्तान, उज्रे उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान। यह हमारा 15 सोवियत संघ के विघटन के बाद जो नए राज्यों का उदय हुआ उसमें यह 15 है। रूसी संघ, कजाकिस्तान, एस्टोनिया, लातिविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मल्दोवा, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिजिस्तान, इतना हमारे नए राज्य बने। यह जो सोवियत संघ यानी कि इस समय जो रूस कहते हैं, रसिया कहते हैं, उसमें जो है दो ध्रुवीयता का जब अंत हुआ तो उसमें यह इतने राज्य जो है नए राज्य विघटन के बाद हुआ। और आज हमारा यहीं तक यह पीरियड समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट चीज बताएंगे। थैंक यू।